अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज हमने बनाई थी ऑरेंज चिकन, और इसका ऑरेंज चिकन नाम इसलिए क्योंकि इसमें ऑरेंज जूस गया है। तो सुनने में तो शुरू में मुझे खैर बहुत अजीब लगा था, पर टेस्ट में अच्छा था, मज़े की थी चिकन। अम्मा क्या कर रही हैं? जब बालों में तेल लगाना था तो अब देखा तो ये खत्म हो गया। मैं समझा है ही नहीं घर पे, अभी ऊपर गई ना बेड शीट लेने तो था, मैं कहा इसमें डाल दूँ तो फिर वो बालों को लगा लेंगे। ये ना इसमें स्प्रे की तरह आ जाता है, चलो ये भर गया। इन्होंने कमरे का क्या हाल किया हुआ है, तोबा तोबा, बंदा चीजें ही समेट लेता है, ये गल ही कोई नहीं। तो शापर निकला है गंद का, ऊपर से लगता है ही नहीं गंद, इतना साफ है ये घर। बिस्तर वगैरह झाड़ लिए हैं, चीजें अभी डस्टिंग होने वाली है। तो ये अब जी नीचे आ गए हैं, और नीचे मम्मा ने बेडशीट चेंज की है तो वो दिखा रही थी। तो ये जी पानी वाले आए हैं, और अभी भी ना हमारे घरों में जो है ये कोई कुत्ता आया हुआ है और ये फिर रहा है। और अब इसकी पता चला जी टांग जो है ना, पता नहीं क्या उसकी टांग को कुछ हो गया, लंगड़ा के चल रहा था। शुरू में ये ठीक था, और गली के ये बच्चे कह रहे कि गार्ड अंकल ने ना इसे पता नहीं मारा है कि क्या किया जिसकी वजह से उसकी टांग ख़राब हो गई। तो मैं कह रही थी कि भाई अगर अब बेचारा आवारा है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे उठा के टांग पर मारना शुरू कर दो, उसकी टांग तोड़ दो। अभी वो कौन सा पागल हो रहा था या उन पर भोंक रहा था, तो मतलब अजीब। और ये हमारी नेबर्स में एक आंटी थी, उनके साथ मम्मा की फुल दोस्ती है, तो वो गई थी इंग्लैंड। उसके बाद अभी उनके हस्बैंड आए हैं, तो ये फिर उन्होंने मम्मा के लिए गिफ्ट भिजवाया था। ये देखें जी टाइम क्या हो रहा है, ज़रा मुझे बताना। 7:30 7:30 बजे, और मैं कह रही हूँ कि अंदर मुझे इसकी याद तो रही थी खुशबू वगैरह, लेकिन ये क्या बना रही है, ये क्या किससे बनाया है? ये मैंने चॉकलेट बनाना ब्रेड बनाई है, और इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं? अब ये रट्टी हुई तो नहीं है लेकिन बनाना, एक केला डाला है क्योंकि एक रुबाब खा गई थी, अच्छा। और दो अंडे, और साथ आइसिंग शुगर, अच्छा। ऑयल, और बाकी मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और साथ थोड़ा सा पानी। वाह जी वाह, मैं कब से कह रही हूँ किचन में खटर फटर की आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं समझा तो फ्रेंच फ्राइज बना रही है, नहीं और आप देखें वाह जी वाह, ये तो अमीन ने कमाल कर दी है, अच्छा बना है। अब टेस्ट चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा। और अमीन कह रही है कि किचन आए आके देखें कि कितना साफ है। हाँ तेरे केक का गंद नहीं है, यानी कि ये दिखा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने स्लाइसेस सही तरीके से कट करके नहीं दिखाए, पर ये चॉकलेट बनाना ब्रेड थी और बहुत ही मजे की बनी थी। और चावल ना इकट्ठे ले लिएगा, ये मैं लेने गई हूँ अभी 3 दिन पहले, तो उसने मुझे कही है 4,500 की, 4,500 की आज उसने मुझे दी है, 5,000 की कह रहा है। मैंने कहा अभी परसों पता करके गई, तब उसने 100 रुपया छोड़ा है मनोज सोने। लेकिन चीनी जो है ना अच्छी वाली मोटी वाली है, वो उसने मुझे दिखाई है, इसी तरह का थैला उनके पास ना खुला था तो वो दिखाई है। रुबा माली आया हुआ है, तो कहते हैं इसको, कहती हूँ कि ऊपर जाके चीनी रखवा दे, लेकिन सिर्फ एक ऐसे उठाई नहीं जानी। अली से मैं कह तो दूं, लेकिन उसका कल पेपर का पता चले उसका दर्द ही निकल जाए। तो मम्मा इसे यहीं पे रहने देते हैं, बाहर से अली उठा के लाया, मुझे पता लगने ही नहीं दी तो माशाल्लाह से। अब ऊपर तो कह रहा था कि मैं ऊपर भी लेके जाऊं, मैं कहा बस करते ब्रेक लगा दे। है ना, हाँ ऐसे बसीर के लेके जाऊंगा। ये ऐसे ही जाएगी, ये जो ऊपर सामने छोटा स्टोर है ना उसमें आसानी से जा रही है, वैसे मुश्किल होनी थी। और आजकल मौसम जो है ना शदीद किस्म का ठंडा हुआ है, बारिश वाला होता है, पर बारिश सही तरह खुल के नहीं होती है, जो है ना बिल्कुल बस हल्की हल्की होती रहती है। तो मैं कहती हूँ कि सही तेज़ वाली हो ताकि मज़ा तो आए इंसान को। और यहाँ पर जी अब ऑरेंज जूस निकाल रहे हैं क्योंकि हमने ऑरेंज चिकन बनानी है, ऐसी बात है। तो पहले सबसे पहले हमने ये काम कर लिया, अपना जूस निकाल लिया। अमीन ऑरेंज चिकन बनने लगी है, और इसके लिए ये मैंने 400 ग्राम चिकन ली है, और ये 1 टीस्पून है गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून है लाल मिर्च, नमक हसबे जायका, और काली मिर्च।
ये सब अब इसमें मैं डाल दूंगी। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के फिर चिकन को मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे। एक कप है मैदा और हाफ कप है ये कॉर्नफ्लावर, और बेशक आप लोग ये पूरा भी डाल सकते हैं, मेरे पास इतना था तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। और ये हाफ टी स्पून है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, और नमक हसबे जायका, और एक है अंडा, और ये 1 टेबल स्पून है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है और बाकी सारी चीज़ें भी डाल दी हैं, पर वो कैमरा बीच में पता नहीं मम्मा से बंद हो गया था तो वो डालती हुई नज़र नहीं आई, पर खैर वो डाल के हम यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम साथ साथ पानी डालते जाएंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं इसे रखना क्योंकि इसमें हमने चिकन की कोटिंग करनी है। ये जो हमने चिकन को ना मसाले मैरिनेट करके रखा था ये अब इसमें डाल देंगे मैदे और कॉर्नफ्लावर के अंदर। ये इसकी मैरिनेशन करके रख दिए। ये ऑरेंज जूस 500 ग्राम और ये चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर ये दोनों 2 टेबल स्पून, और ये कॉर्नफ्लावर ये भी 2 टेबल स्पून, और ये केचप 3 टेबल स्पून, और सोया सॉस ये भी 3 टेबल स्पून, और ये चिली गार्लिक सॉस ये भी 3 टेबल स्पून। ये सब आप इसमें मिक्स करेंगे। बर्तन छोटा पड़ गया इसलिए हमने चेंज कर लिया। और ये कॉर्नफ्लावर रामीन अब चलो तुम इसे अच्छी तरह से मिक्स करो, ये तुम्हारा पसंदीदा काम है। तो अब एक दिन पहले जो है ना हम ऑरेंज चिकन ही बनाने लगे थे, राइस भी बॉईल कर लिए थे, वेजिटेबल्स काट लिए थे, तो फिर वो नेबर्स के घर से कॉल आ गई कि हमारे घर आज पार्टी है, टी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने नई गाड़ी ली है तो उसकी खुशी में। तो फिर हमारा ऑरेंज चिकन बीच में रह गया, तो हमने सारी चीज़ें कवर करके रख दी कि अब अगले दिन बनाएंगे। तो ये अब अगला दिन आ गया है और सारी चीज़ें हमने क्लिंग रैप हटा दिया और ऑयल डाल देंगे पैन में। तो यहाँ पर अब हम एग फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। अब हम अपनी सारी वेजीज डाल देंगे उसमें, है जी कैरेट, पर्पल कैबेज है और जो रेगुलर कैबेज है वो, बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम। तो इसके बाद यहाँ पर अब हमने दोनों अंडे डाल दिए और साथ में नमक और काली मिर्च भी डाल देंगे, और सोया सॉस भी चली गई, उसके बाद जाएगी चिली सॉस। उसके बाद इसमें विनेगर डाल के मिक्स करेंगे और अपने जो है बॉयल्ड राइस डाल देंगे। तो एग फ्राइड राइस के बारे में वैसे ही कहते हैं कि चावल जो है एक दिन पुराने होने चाहिए तो ज़्यादा ये मज़े का बनता है, तो हमारे तो इत्तेफाक नहीं जो है ना एक दिन पुराने पर चावल हो गए। ये एक एक पीस करके डालना है नहीं तो ये सारी आपस में जुड़ जाएंगी। और बेकिंग सोडा हमने इसलिए डाला था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं, गल जाएं। अच्छा इसको बहुत जल्दी नहीं नीचे से ऐसे पलटाना, थोड़ी देर लगेगी नहीं तो ये जो इसके ऊपर मैदा शैदा लगा हुआ है ये सारा उतर ना जाए। चिकन को ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि इसकी सॉस में ना सॉस बनाएंगे तो उसमें जाके इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ना काफ़ी सब्र था हम हल्का मुजाहरा दिखाना है क्योंकि यहाँ पे जब ये इसको फ्राई किया जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी हमारा एक और चक्कर है, इसकी आवाज़ सुनो कितना क्रिस्पी पाना है, ऐसे ना क्रंची क्रंची सी चलता कि ये इसी कढ़ाई में ही हो जाते लेकिन ये नहीं आएंगे, अब दूसरी कढ़ाई लानी पड़ेगी। रामी स्टोर से निकाल के ले जा, भला कर बचे। तो यहाँ पर अब हम इसकी सॉस बनाने लगे हैं, उसके लिए हमने ऑयल ले लिया, उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, जीरा डाल दिया और साबुत लाल मिर्चें भी डाल दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और देखो ये थिक हो गया और इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। अच्छा ये जो ऑरेंज जूस के अंदर हमने सारे सॉसेस और मसाले मिक्स किए हुए थे तो फिर देखा टाइम नहीं लगा, आसानी हो गई, जल्दी से बन गया। अब ये सब चिकन इसमें डाल देंगे। हाँ हाँ इसमें अभी वो डालना था ज़्यादा कलर भी अच्छा है।
और इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर ऑरेंज कलर, जर्दा कलर, फूड कलर डाल के ना तो इसके अंदर डाल दिया था कलर के लिए। तो ये हमारी ऑरेंज चिकन बन गई है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।